आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने जीवित पुत्रिका वर्त कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्व राजा जिमूतवाहन बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे। वह युवावस्था में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। उन्हें देखकर जिमूतवाहन ने उनके विकल्प का कारण पूछा। नाग माता ने उन्हें बताया कि नागवंश गरुण से काफ़ी परेशान है। उन्होंने बताया वह वंश की रक्षा करने के लिए गरुण से समझौता करती थी। वह प्रतिदिन उसे एक नाग देगी जिसके बदले में वह हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इसी बात को रखने के लिए नागमाता के पुत्र को गरुण के सामने जाना पड़ा। नागमाता की बात सुनकर जिमूतवाहन ने नागमाता को वचन दिया कि वह उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देगा। वह उनके जीवन की रक्षा करेगा। तभी जिमूतवाहन ने नागमाता के पुत्र की जगह कपड़े में खुद को लपेटकर गरुण के सामने खुद को पेश किया। उसी जगह जहाँ गरुण आया करता था। तो ये थी जीवित। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से आरती करें और भोग लगाएं। कुश से बनी जिमूतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत के बाद महिला जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती है। व्रतीय महिला जितिया का लॉकेट भी धारण करती है। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। पूजा समाप्त होने के बाद दान जरूर करें। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।